आई एम अंजलि, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस। तो पहले इसमें हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें हमें क्रॉप के प्रोडक्शन करना है और उसकी मैनेजमेंट करना है। तो पहले देख लेते हैं कि क्रॉप्स होते क्या हैं। देखो, व्हेन प्लांट्स आर ग्रोन इन द सेम काइंड ओके एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। ठीक है, क्रॉप वो होता है जो प्लांट्स, एक तरह के प्लांट्स एक बड़ी सी फील्ड में ग्रो करे, उसे हम क्रॉप्स कहते हैं। अब इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, है ना। यू कैन सी हियर इज़ द टॉपिक दैट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चर पहले क्या होता है ये जान लेते हैं। द क्रॉप्स और प्लांट्स विच कैन बी ग्रोन फॉर ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर उसे कहते हैं कि हम खाना मतलब प्लांट्स उगाएं और हम उनसे फूड लें, उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किसे कहते हैं, देखो, जो टास्क या फिर जो स्टेप्स करता है फार्मर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, अच्छी ग्रोथ देने के लिए, उस टास्क को हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो इसको बोलेंगे कैसे इन इंग्लिश, द टास्क और स्टेप्स विच डन बाय फार्मर टू मेकिंग गुड क्रॉप इज कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस देख तो लिया है, लेकिन पहले देखते हैं कि क्रॉप्स के कितने टाइप्स होते हैं। क्रॉप्स के टू टाइप्स होते हैं, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप क्या होते हैं, द क्रॉप विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन इस कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। रेनी सीजन कब से कब तक होता है, जून से सितंबर तक होता है। जैसे एग्जांपल ले लो खरीफ क्रॉप्स का, पैडी हो गया, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन, ये सब एग्जांपल है खरीफ क्रॉप के। अब रबी क्रॉप क्या होता है, द क्रॉप विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन इस कॉल्ड रबी क्रॉप्स। और विंटर सीजन कब से कब तक होता है, अक्टूबर से मार्च तक होता है। एग्जांपल ले लो रबी क्रॉप्स का, वो हो गया वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसमें देख लेते हैं कि भूजो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। क्यों ग्रो नहीं कर सकता है भाई, आप खुद बता सकते हो, क्योंकि आपने खरीफ और रबी क्रॉप अगर अच्छे से पढ़ लिया तो बता सकते हो आप। तो ये होता क्या है, देखो, पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन बिकॉज इट वॉन्ट्स मोर अमाउंट ऑफ वाटर इन, दैट्स व्हाई इट इज़ ग्रोन इन रेनी सीजन। एंड इन विंटर सीजन व्हेन इट्स ग्रोन द प्लांट कैन बी डैमेज्ड। ठीक है, अब हमने पिछले भी पेज नेक्स्ट पेज पे पढ़ा था कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होता क्या है। तो इसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के कुछ टाइप्स होते हैं, ये तो देख लिया एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होता क्या है। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के टोटल 7 टाइप्स होते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यानी कि फार्मर के द्वारा स्टेप्स किए जाने को एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। यहाँ पर आपको टाइप्स देखने को मिलेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ठीक है, पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ते हैं क्या होता है। देखो, जब सॉइल को हम प्रिपेयर करते हैं कुछ क्रॉप्स उगाने के लिए, जैसे कि आप खाना खाने से पहले थाली को धुल के उसको प्रिपेयर करते हो, उसी तरह आप बीज उगाने से पहले सॉइल को प्रिपेयर करते हो। ठीक है, तो फिर उसको प्रिपेयर करते हैं, उसी प्रोसेस को हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इज इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। यानी कि सॉइल को टर्न करते हैं और लूज करते हैं, तब जाके हमारी सॉइल प्रिपेयर होती है। वो भी ऐसे ही प्रिपेयर नहीं हो जाती है, वो जब टर्न की जाती है तब उसमें डीप सॉइल जो होता है वो उसकी रूट्स डीप पेनिट्रेट कर सकती है, अंदर से ज़्यादा ब्रीथ कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजली। यहाँ पर आंसर भी लिखा है, द लूजिंग सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की ग्रोथ को ज़्यादा करता है और माइक्रोब्स जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में वो हेल्प करते हैं उसको डीप पेनिट्रेट करने के लिए। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि टिलिंग एंड प्लगिंग हो गया, और
टिलिंग एंड प्लगिंग, क्रम्स, इरिगेशन हो गया, ठीक है। और टिलिंग और प्लगिंग होता क्या है, जो देखो हमने पहले पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, ये भी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का पार्ट ही है, लेकिन लूजनिंग और टर्निंग तो हमने पढ़ा है। उसी लूजनिंग और टर्निंग को हम कहते हैं टिलिंग या फिर प्लगिंग। अब क्रम्स क्या होता है, क्रम्स जो बिग पीसेस होते हैं ना सॉइल के, उसे हम क्रम्स कहते हैं। आप अगर आपके दादा जी करते होंगे तो फिर देखा होगा कि उसमें बड़े बड़े पीसेस होते हैं सॉइल के, उसे हम क्रम्स कहते हैं। इरिगेशन क्या होता है, द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन, यानी कि इरिगेशन जो फील्ड लेवलिंग की जाती है फील्ड की सोइंग करने के लिए, उसे हम इरिगेशन कहते हैं। सिंपली कुछ इम्प्लीमेंट्स होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, वो होता है जैसे कि प्लगिंग स्काफ्ट देख लो, द फ्लग देख लो, यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, कल्टीवेटर हो गया और ट्रैक्टर हो गया, इन सब के थ्रू हम प्लगिंग करते हैं। अब सोइंग क्या होता है, सोइंग बीज बोने को तो हम सोइंग कहते ही हैं, द प्रोसेस ऑफ सोइंग द सीड इन द सॉइल इज नोन एज सोइंग। तो देखो अब सोइंग तो पता चल गया, लेकिन सोइंग जब हम सीड्स बोते हैं उससे पहले भी कुछ प्रोसेस किया जाता है जिससे हमें पता चल जाए कि हेल्दी सीड्स कौन कौन सी है, ठीक है। तो फिर वो कैसे करते हैं हम, फर्स्ट हमें एक मग लेना होता है या फिर हम कुछ भी ले लें, मग ले लो या फिर बाउल ले लो, उसमें पानी डालो, फिर सारे सीड्स डाल दो। सारे सीड्स में जो ऊपर फ्लोट करेंगे सीड्स उसे हम कहेंगे डिसीज्ड सीड्स, और जो नीचे सिंक हो जाएंगे वो हेल्दी और क्लीन सीड्स हमारे होंगे, ठीक है। इसमें यही प्रोसेस होता है, इतना छोटा सा यू कैन आप करके भी देख सकते हो, यू कैन डू ऑल्सो। इसको करने के लिए कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स भी होते हैं, जैसे कि कुछ लोग हाथ से करते हैं, कुछ लोग सीड ड्रिलर से करते हैं, ठीक है। तो फिर सीड ड्रिलर भी एक ट्रेडिशनल टूल ही है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आगे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।